मेरे बॉस ने मेरे बॉस यहाँ पे लड़ाई हो चुकी है। ये आपको जो शऊर दिया ये शऊर है, सब बच्चों को उसने बिगाड़ दिया, औरतों को उसने बिगाड़ दिया, नस्लों को उसने बिगाड़ दिया। एक मिनट चाचा, चाचा इमरान खान ने गाड़ी चोरी की। हाँ जी, जो नवाज शरीफ 12 गाड़ियाँ ले गया उसका जवाब किसने देना? नहीं हुआ उसका साबित, नहीं हुआ उसका साबित, नहीं हुआ उसका सामना, वो उसका बाप का माल। एक मिनट जेल में बैठ के इलेक्शन जीते हैं, जेल में बैठ के इलेक्शन जीते हैं, चोरी करके नहीं जीते। क्या लग रहा है इलेक्शन में धांधली हुई है? बिल्कुल हुई है। हाँ सब लगे मैंने धुलाई करने के लिए। देखे एक बंदा उसको बांध लिया, उसका मोनोग्राम छीन लिया, भला इंतखाबी निशान, हर तरह का हरबा जमा लिया, गोलियां भी मार के देख ली उसको, वो नहीं टला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहकार टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन जैसा कि आपको पता ही है कि 8 फरवरी को इलेक्शन थे, 9 फरवरी गुजर चुकी है और आज है 10 फरवरी। अवाम से जानते हैं कि आखिर उन्होंने वोट किसको दिया है और हमारे मुल्क आने वाला वज़ीर आज़म कौन होगा, और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर वो आते हैं तो उन्हें कम से कम भी 10 साल लगेंगे पाकिस्तान के हालात बेहतर करने में। आइए अवाम से जानते हैं कैसे हैं सर। अल्लाह का शुक्र है। सर वोट दिया है? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इधर मेरा हलका ही नहीं था ना। तेरा हलका नहीं था? हाँ। अगर आपका हलका यहाँ पे होता तो आप किसको वोट देते? इमरान खान को। क्या वजह है? वजह ये वो मुल्क के लिए अच्छा है। सर मुझे ये बताएं कि इलेक्शन हुए हैं परसों। हाँ जी। न्यूज आपने भी सुनी होंगी? हाँ सुनी है। क्या हुआ न्यूज में, क्या सुना आपने, क्या सुनने को मिला? तकरीबन कोई 150 से ऊपर सीट भी जो है ना इमरान खान आजाद जो है ना वो ले गए। तो पहली बात ये है की पीटीआई की जो है ना हुकूमत बननी चाहिए। हाँ जी, तो पीटीआई के बल्ले का निशान तो छीन ली है, लेकिन जो है ना वो किसी से भी मतलब मिलजुल के वो अपनी हुकूमत बना लें, मतलब दूसरी पार्टी से। तो ये बताइए आपको क्या लगता है कि हमारा आने वाला मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होगा? मेरी समझ में तो इस टाइम तो मेरी जो जब तक समझ आ रही है ना इमरान खान ही होगा। नून लीग वाले नहीं आ सकते अब। इमरान खान तो उन्होंने बाहर नहीं आने देना। हाँ वो धांधली में जो है ना वो बन सकते हैं, क्योंकि वो पीपल पार्टी और नून लीग से शायद एक साथ हो जाएं। पीडीएम अगर आदत है तो पीडीएम होगा तो फिर क्या होगा, पाकिस्तान के हालात कैसे होंगे? हालात इससे भी बहुत बुरे हो जाएंगे। हाँ बहुत बुरे हो जाएंगे। आपने इसको वोट दिया? वोट किसको दिया है? इमरान खान को। इमरान खान को दिया है। जी ये बताएं कि इमरान खान को वोट क्यों दिया है? वोट क्यों दिया है? वोट इसलिए दिया है कि हुकूमत का कोई सही तरीका को समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि इमरान खान को गए हुए कितने साल हो गए हैं। अभी देखिए ये यहाँ पे अपनी जो यहाँ पे खिचड़ी बना रहे हैं, कभी किसके पीछे भाग रहे हैं, कभी किसके पीछे भाग रहे हैं, आवाम यहाँ पे बेड़ा गर्क हो गया उनका। अभी महंगाई तो किसी ने कंट्रोल ही नहीं की, ऊपर से हम वोट के पीछे चले हैं। ये तो शेर का वोट था, शेर को वोट डालना था, लेकिन नहीं। किस लिए? क्योंकि ये किसी गरीबों के बारे में अभी सोच ही नहीं रहे, अभी कह रहे ये काम होगा वो होगा, कोई काम हो ही नहीं। आशिफ साहब ने कहा है कि कम अज कम भी 10 साल लगेंगे पाकिस्तान के हालात बेहतर करने में। अभी ये देखें कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं 10 साल, अगर ये 10 साल इमरान खान को देख के देखें, वो तो जिंदगी में पहली दफा आए हुए। उसे तो 24 साल की सजा है। किस चीज की वजह? अवाम साथ है, आजाद उम्मीदवारों को ज्यादा वोट भी दिए गए, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे। नहीं नहीं आप मुझे ये बताए उसको किस चीज़ की सजा दी है? शरीदत केस है, साइफर केस है, तोशा खाना केस है। अवाम से हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये जो केसेस हैं क्या ये बाकियों के ऊपर नहीं थे? मेरी एक बात सुने, ये जो केस इन्होंने इमरान खान पर डाले हैं, ये 2-3 केस, ये क्या चीज है? जो लाखों के हिसाब से केस है उनकी नहीं समझ आ रही, वो कहाँ पे गए? तो आप ये 1-2 केस की बात करें। आप मेरे एक बात बताएं, इमरान खान ने जब शादी करनी थी तो वो नवाज शरीफ सबको बिठा के साथ बैठ के करनी थी कि हम शादी कर रहे हैं, हमारा कोई केस होगा इसको आपने सोल्व करना है? ये भी आप सोचें, आप समझदार हैं। अभी ये शादी का जो सिलसिला चाह रहा है वो इसके एडर में नहीं है इमरान खान के, उन्होंने अपनी मर्जी से किया, गवर्नमेंट के बेशक बैठ के किए जो भी, उस टाइम ये केस का कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये अपनी तरफ से केस जितने मर्जी लगा लो, जितना मर्जी जोर लगा लो, लेकिन ये काम इमरान खान का भी केस होता है ना, कम से कम ज़्यादा ही होता है। उसके केस देने वाले भी हाजिर हैं, वो कहते हैं हम भी इनको बाहर लगा लें, लेकिन वो नहीं लगा रहे। किस वजह से नहीं लगा रहे? सिर्फ केस की वजह। इलेक्शन हुए हैं, क्या लग रहा है इन इलेक्शन में धांधली हुई है? धांधली हुई है। कौन है इस धांधली के पीछे? इस धांधली के पीछे वो है जिन्होंने ये नट बंद की है। ठीक है, क्योंकि नट बंद करना ही नहीं चाहिए था। अगर नट बंद किया है कि देखो जिसके जिसका बनना था वोट उसका बनना ही था, चाहे इमरान खान का बनना था, चाहे नवाज शरीफ का बनना था। आपको पता है ये काम हो रहा है उसमें, ये तो काम नहीं करना चाहिए था। नट बंद कर दिए, किसी को अभी खबर है, अभी ये भाग रहे हैं लोग, उन्होंने जाके वोट लगाना ही था, देना ही था ना, चाहे नवाज शरीफ को दें, इमरान खान को दें, नून लीग को। हाँ जी, क्या वजह है नून लीग को वोट देने? वोट देने की यही वजह है कि वो गरीबों का ख्याल करते हैं कुछ थोड़ा बहुत। गरीब तो कह रहे हैं जी हमें तो रोटी नहीं मिल रही। क्या है जी, क्या उसको वोट दिए? हमने नवाज शरीफ को।
जी जी, नवाज शरीफ को वोट देने के पीछे आपका क्या मकसद? नवाज शरीफ का ये देखो, नवाज शरीफ ने महंगाई कम की है, नवाज शरीफ का अच्छा दौर था, ये जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आप मुझे दिखा रहे हैं ना, आवाम कहती है इससे हमें रोटी नहीं मिल रही। लाहौरियों ने और पंजाबियों ने उसको वोट नहीं दिए, बहुत ज्यादती की है उसने के साथ, ज्यादती हुई है। नवाज शरीफ को इतने वोट नहीं मिले जितना हक है उसका, ज्यादती के बावजूद भी वो आ रहा है। आ तो खुद रहे हैं माशाल्लाह, बहुत बड़ी पार्टी आ रहा है। कैसे आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि सबसे मुल्क की बड़ी पार्टी है। वोट्स ना होने के बावजूद भी वो आ रहा है। वोट नहीं है, उसके वोट हैं, लेकिन उनसे फिर भी ज्यादा वोट लिए हैं। उनकी पार्टी नहीं है वो, चूंकि वो लोटे बन जाएंगे, कोई नवाज शरीफ के साथ आ जाएगा, कोई जरदारी के पास आ जाएगा, तो जाहिर इसकी सबसे मेजॉरिटी में सबसे बड़ी पार्टी है इसकी है, और इसका हक भी है। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसी को ले आए। हमारे ऊपर जो ये प्रॉब्लम उसने खड़ी की है इमरान खान ने, ये जो मुल्क को तबाह किया है, अल्लाह करे ये तबाही खत्म हो जाए। इमरान खान ने किया? बिल्कुल उसे नहीं किया, ये मुल्क को सब बच्चों को उसने बिगाड़ दिया, औरतों को उसने बिगाड़ दिया, नस्लों को उसने बिगाड़ दिया है, सब कुछ बिगाड़ दिया उसने, अल्लाह करे। सही बात है, जो लोटू ने बिगाड़ा हुआ वो आपको नजर नहीं आ रहा, आई तरह बात सुने आप। मैंने कहा जो लोटू ने बिगाड़ा हुआ वो आपको नजर नहीं आ रहा। किसने बिगाड़ा है? लोटू ने। तो लोटे के तो हम कह रहे हैं कि अभी लोटे इसको इधर जाएंगे उधर जाएंगे। आप जब एक एक भी बुखार भी आ जाता है बाघ तो लंदन जाते हैं। वो तो ये दो साल हो गए, दो साल इमरान खान जेल में बैठा है, कभी नहीं कहा। तो इधर इसका काम किया है, मुझे पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी इलाज है। नहीं, तो इलाज कौन करा रहा है पाकिस्तान में? बड़ा आदमी कौन करा रहा है? मैं कराऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं इधर पाकिस्तान में। के पास तो पैसा बड़ा है ना, जिनके पास पैसा है तो करा। नहीं, उसको किस चीज की कमी है? वो तो आपके लिए बैठा हुआ है, आपके लिए। हाँ, ये रहा है तो वो भी तो 300 कनालों में रहता है। सही बात है, इस चीज हाँ ऐसे ही लगता है आपके लिए। सर, इमरान खान आज जेल में मौजूद है, क्या सही बैठा हुआ है जेल में? बिल्कुल सही बैठा है। सही बात है, गलत बैठा है। हाँ जी, गलत बैठा हुआ है। आपको ये गुलामी गुलामी आप पर फालतू छाप लग गई है, मोर लग गई है आपके ऊपर, नाराज ना होना, बिगाड़ दिए आप लोगों को उन्होंने। कुछ नहीं बिगाड़ा उसने, मैं कहता हूँ जो सच्चा है वो बिगाड़ दिया। सर, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। साल में गुलाम में तो नहीं थे, फिर क्या हुआ था? फिर क्या हुआ था? यहाँ पे लड़ाई हो चुकी है। ये आपको जो शऊर दिया, ये शऊर है, इसको शऊर कहते हैं आप? नहीं नहीं, ये लीडर का कभी पता था कोई लीडर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं पता था आपको लीडर का? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये नहीं, हाँ हाँ, ये नहीं पता था। जो आज जो औरतें अपनी खामदों को छोड़ रही हैं, बच्चे अपने बाप को छोड़ रहे हैं, क्यों? इसी शऊर आ गया। नवाज शरीफ की वजह से छोड़ रहा, कितनी महंगाई नवाज शरीफ ने किया हुआ है। वो पाइप पूरा नहीं हो जाओ बाबा जी, दाढ़ी में मारा दरे। जय अंकल जी, जय। ये जो छोड़ रहा है ना, ये महंगाई की वजह से, नवाज शरीफ की वजह से छोड़ रहा है, नवाज शरीफ की वजह से। आपको पता क्यों? किसी का पता ही नहीं है। हाँ जी, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप चाहते हैं नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने? मैं ये नहीं कहता नवाज शरीफ बने, मैं कहता हूँ वही बने जो मुल्क के लिए बेहतर हो। मुल्क के लिए इमरान खान बेहतर है? नहीं है, इमरान खान है। नहीं, मेरी बात सुनो। अच्छा, तो गाड़ी जो हो रही है वो पकड़ा गया, वो तो अभी बन नहीं सकता इमरान। नहीं, एक मिनट चाचा, इमरान खान ने गाड़ी चोरी की? हाँ जी। जो नवाज शरीफ 12 गाड़ियां ले गया, उसका जवाब किसने देना? नहीं हुआ उसका साबित, नहीं हुआ उसका साबित, नहीं हुआ उसका सामने, वो उसका बाप का माल। एक मिनट खान साहब, इंशाल्लाह जेल में बैठ के इलेक्शन जीते हैं, जेल में बैठ के इलेक्शन जीते हैं, चोरी करके नहीं जीते। इसको कहते हैं खान साहब, पठान है, खान साहब। क्या लग रहा है, इलेक्शंस में धांधली हुई है? बिल्कुल हुई है, सही है। इमरान खान जेल में बैठ के भी जीत गया, लेकिन फिर भी उसको हुकूमत नहीं मिल रही, क्योंकि हार गया, हार गया। और बाबा तुसी जीत गए हो, ताड़ी में बाबा तुसी जीत गए हो, जाओ। हार गया। नाज़रीन, यहाँ पे जो है यही मामला चल रहा है, हम चलते हैं आगे और लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, वोट किसे दिया? पीटीआई को। क्या लग रहा है, इलेक्शंस में धांधली हुई है? धांधली काफी जगहों पे हुई है, काफी जगह पे हुई है। सर, ये बताएं कि हमारा आने वाला मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होगा? ये कुछ नहीं कह रहे, ये तो डील करके आए हुए हैं, इन्होंने ध्यान नहीं आना है नवाज शरीफ ने। क्या लग रहा है, पाकिस्तान ने डील के ऊपर चलना है? कभी नहीं सही हो सकता पाकिस्तान, जो मर्जी कर लें। कौन ठीक कर सकता है? हमारे ऊपर हर बंदा 2 करोड़ रुपए का मकरूज है इस टाइम। ये झूठ बोलते हैं, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कभी नहीं हो सकता। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं वोट किसे दिया? पीटीआई। क्या वजह है पीटीआई को वोट देने? भाई इंसाफ चाहिए,
हाँ जी, क्या लग रहा है पाकिस्तान में आपको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? करप्शन पाक करना पड़ेगा, पहले धोना पड़ेगा साहब। खान साहब लगे मैंने धुलाई करने के लिए, देखे एक बंदा उसको बांध लिया, उसका मोनोग्राम छीन लिया, बला इंतखाबी निशान, हर तरह का हरबा जमा लिया, गोलियां भी मार के देख ली इसको, वो नहीं टला। उसने बात ये की है कि पाकिस्तान को फ्रीडम बनाना चाहिए, फ्रीडम बनाना उसने, इंशाल्लाह बनाएगा वो। मुझे ये बताएं कि क्या लग रहा है, इलेक्शन हो हुए हैं, धांधली हुई है? हाँ जी, सब कुछ आ रहा है सोशल मीडिया पे, चाहे जो मर्जी बंद कर लें ये लोग, लोगों ने जिन्होंने मूवियाँ बनाई हुई थी उन्होंने अपलोड कर दी हुई हैं, पूरी दुनिया ने देखा क्या हो रहा है, कल से लेकर आज तक मीडिया भी आपका वो बोल रहा है। ये बताएं हमारे मुल्क का आने वाला वज़ीर आज़म कौन? लिफाफा मीडिया जो है वो भी अब बातें कर रहा है, वो भी मान गए, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। बात तो ये है कि आने वाले मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होगा? इमरान खान इंशाल्लाह, हम तो उन्हीं को देखेंगे, हम जैसा कि भाई ने मुसलमान का ईमान होता है कलमे पे, किसी यहूदी को भी मुसलमान करते हैं ना तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसको पढ़ाते ज़रूर हैं, क्योंकि उसको पाक करना होता है, उसको बताना होता है अल्लाह एक है। तो उसने बताया पूरी दुनिया को, अवाम ने देखा, हमें बस अब पता चल गया भाई हक के साथ, हक का साथ देना है उससे हम नहीं पीछे हटेंगे, चाहे तो जो धांधली भी हुई ना इसके ऊपर हमारे दोबारा से वोटिंग हो जाए तो हम वोटिंग देने को भी तैयार हैं, क्योंकि वो यहाँ पे सलमान अकरम राजा जीते थे और वो जीत के उनके उनका हक है जिसको चुराया गया। क्या लग रहा है कि मुस्तकबिल का वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, क्या लग रहा है? बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म वही होगा जो ज़्यादा पैसा लगाएगा, क्योंकि पैसे से ही सारा कुछ होता है, वोट पैसे से खरीदा जाता है, तो मुस्तकबिल का वज़ीर-ए-आज़म वही है जिसने ज़्यादा पैसा लगाया है, तो वही होगा। आपने किसको वोट दिया? नवाज शरीफ को। क्या वजह? नवाज शरीफ के दौर में कारोबार था, गरीबान भी रोटी खा रहा था। अच्छा। हाँ जी, तो बाकी तो सारी बातें करते हैं, इमरान खान ने क्या किया है, बातें की सारी। आपको नहीं लग रहा है इमरान खान को टाइम कम दिया गया था? टाइम कम हो या ज्यादा उसको अपना अपना दिखाना चाहिए। आपको पता है नवाज शरीफ ने कहा है कि मुझे 10 साल लगेंगे पाकिस्तान को ठीक करने में। नवाज शरीफ के दौर में कारोबार था, गरीब आदमी रोटी खा रहा था, अब गरीब आदमी सड़कों पे आ गए। यानी कि पहले भी 3 दफा वज़ीर आज़म वो रह चुके हैं। हाँ जी, अब उनका 2 दफा और बनने का इरादा है, फिर जाके पाकिस्तान कहीं ठीक होगा। नवाज शरीफ जो है वो ठीक है, मानते हैं वो खा रहा है, लेकिन लगा भी रहा है, जरदारी ने कुछ नहीं किया, सब बात करके चला गया। इमरान खान अभी वो इमरान खान ये कह रहा है कि वो चोर है, उनको छोड़ो वो चोर थे, तुम अपने आवाम को संभालो, पाकिस्तान को संभालो। बार बार जब भी उसने तकरीर की है, वो ये चोर है, छोड़ो उसको, दफा करो, अपना सीधा करो, कुछ नहीं किया, बातें की सिर्फ उसने। बहुत शुक्रिया। हाँ जी नाज़रीन, आप लोगों ने सारा प्रोग्राम देखा है, आवाम ने जिस जिसको वोट दिया है और इलेक्शन में धांधली हुई है या नहीं, इस बात का फैसला आप लोगों ने भी करना है, इसलिए कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।